हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप सब फ्री फायर खेलो और उसमें कस्टम ना खेलो, ऐसा गाइस हो ही नहीं सकता। और गाइस आप में से 90% प्लेयर कस्टम तो बना लेते हैं बट सही से गेम प्ले नहीं कर पाते। गेम प्ले से मेरा मतलब आप लोग सही से खेलते होंगे बट आप लोग फिर भी मैच को हार जाते होंगे। और हारने का सबसे बड़ा रीजन है गाइस कि आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग कस्टम मैच हार जाते हो। तो गाइस मैं आप सबके लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर के आ रहा हूं जिसके अगर आप लोग अपने मैच में करोगे कस्टम मैच में तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो आपको कस्टम मैच विन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस ये बात आप सबको भी पता होगी कि किसी भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन के लिए हमको 4 मेन कैरेक्टर की नीड होती है, जिसमें से एक एक्टिव कैरेक्टर और 3 पैसिव कैरेक्टर होते हैं। और गाइस कस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है रश टाइम। तो गाइस जब आप लोग सही से रश नहीं कर पाओगे तो गाइस आप लोग इनेमी को सही से मार नहीं पाओगे। और गाइस कस्टम में हम किसी भी इनेमी को छिप कर मार नहीं सकते, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो गाइस आपको बहुत सारे प्लेयर नूब कहेंगे और कोई मेरे सब्सक्राइबर को नूब कहे ऐसा गाइस मैं होने नहीं दूंगा। तो इसलिए हमें एक्टिव में ऐसा कैरेक्टर को रखना है जिसमें रस करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो गाइस उस कैरेक्टर का नाम है तात्सुया कैरेक्टर। और गाइस ओबी 40 अपडेट के पहले स्कैलर कैरेक्टर को एक्टिव कैरेक्टर में बहुत ज्यादा यूज करते थे, बट गाइस जब से उसकी एबिलिटी चेंज हुआ है तब से गाइस उसका कोई भी यूज नहीं करता है, करते हैं बट उतना नहीं करते हैं। तो गाइस इसलिए मैं आपको तात्सुया कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूं। और अगर आप लोग तात्सुया का यूज बहुत सही से करोगे तो गाइस आप लोग 1v1 को बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो तात्सुया की एबिलिटी कि आप लोग इसकी एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हो, आप लोग एक बार नहीं 2 बार ने पूरे 3 बार स्टोर करके रख सकते हो। और जब आप लोग कस्टम खेलोगे तो गाइस उस टाइम पे आपको रस करने टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तात्सुया कैरेक्टर। और जब भी आप लोग तात्सुया का एक बार यूज करोगे और दूसरी बार जब यूज करने जाओगे तो गाइस आपको 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसका दोबारा यूज कर पाओगे। और गाइस आप सबको तो पता ही होगा कि कस्टम में मूवमेंट स्पीड कितना ज्यादा हेल्प करता है। तो गाइस तात्सुया से ज्यादा आपको कोई भी कैरेक्टर ज्यादा मूवमेंट स्पीड प्रोवाइड नहीं करा सकता है। तो अब हम बात करते हैं 3 पैसिव कैरेक्टर के बारे में। वैसे तो पैसिव में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और कस्टम में तो हमें अनलिमिटेड ग्लूवॉल मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पैसिव में नायरी कैरेक्टर को रखा है। और तो और नायरी की एबिलिटी अपडेट के बाद बहुत ज्यादा ओवर पावर हो गई है। तो नायरी की एबिलिटी है कि जब आप लोग ग्लूवॉल को लगाते हो और गाइस इनेमी आपके ग्लूवॉल पे फायर करता है तो गाइस अगर आप लोग ग्लूवॉल के 5 मीटर रेडियस के अंदर रहते हो तो गाइस आपको 40 HP मिलने वाला है। और 40 HP आपको एक ही ग्लूवॉल से मिलता है, अगर आप लोग 2-3 ग्लूवॉल को लगा देते हो तो गाइस आपका 120 HP तक हो जाएगा, मतलब आप लोग जितने भी गुलवाल को लगाओगे उस हिसाब से आपको 40 HP मिलेगा। और अगर इनेमी गुलवाल पे फायर ना करे तो गाइस आपको खुद से ही गुलवाल के ऊपर फायर करना है ताकि आपको HP मिले। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा डैमेज हो तो गाइस आप लोग नायरी से गुलवाल को लगाकर पैक हो सकते हो, क्योंकि नायरी से लगाया हुआ गुलवाल को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। और सेकंड जो पैसिव कैरेक्टर है उसके बारे में सुनकर गाइस आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो उस कैरेक्टर को लेकर अगर आप लोग खेलोगे तो गाइस अगर आपको इनेमी हेडशॉट भी मार देगा तो गाइस आप लोग मरने वाले नहीं हो, क्योंकि उसकी एबिलिटी से गाइस आप लोग हेडशॉट से बच सकते हो। अगर कोई इनेमी आपको हेडशॉट मारता है तो गाइस आप लोग जल्दी नहीं मरोगे। और कभी कभार इनेमी इतने तगड़े आते हैं कि गाइस कि वो केवल हेडशॉट ही मारते हैं, तो उस टाइम पे आपके टीममेट तो मर जाएंगे बट आप नहीं मरेंगे। और गाइस वो कैरेक्टर डैमेज को भी कम करता है, तो गाइस उसका नाम है वोल्फ्रा कैरेक्टर। तो वोल्फ्रा की एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है ड्यूरिंग कस्टम। तो गाइस आपको सेकंड पैसिव कैरेक्टर में रखना है वोल्फ्रा को। और लास्ट वाला जो पैसिव कैरेक्टर है उससे आप लोग दुनिया तबाह कर सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, दुनिया तो नहीं बट आप लोग फ्री फायर को तो तबाही कर सकते हो, क्योंकि उसकी एबिलिटी इतना ज्यादा खतरनाक है कि बहुत सारे प्लेयर उसकी एबिलिटी को यूज करते हैं। और उसका नाम है लियोन कैरेक्टर। तो गाइस लियोन की एबिलिटी कि जब आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है तो गाइस लियोन आपको 60 HP प्रोवाइड करता है। ये आपको एक बार में 60 HP प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको 4 HP पर सेकंड प्रोवाइड करेगा, जिससे आप लोग एनिमी से डैमेज खाओ और साथ ही साथ खुद को रिकवर कर पाओ। तो ये है लियोन की एबिलिटी। अगर आप लोग ये सब कैरेक्टर को अपने कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।